गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास C3. इन दिस C3 यू विल लिसन टू द रेडियो टॉक इन द स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. क्लियर? एंड सीरीज द टॉपिक टूडे इज वॉट इज क्रेडिट कार्ड. इसमें हम पढ़ेंगे कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता क्या है. एज यू लिसन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो. सो we have to go to study or fill up this table. First we have to go to the tape script which is mentioned in page number 106. kya keh raha hai? Listen carefully to the audio CD title listen comprehend class 5. After listening answer the question verbally. Verbally matlab hota beta jo words mein likhte ho, right? And thereafter complete the given table. The tape script is also given on the page 106 of this book. तो अब हम लोग पेज नंबर 106 में जाते हैं. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. What is credit card? क्या होता है credit card? So I hope in a modern world, modern technology में आप देखोगे, आपने देखा भी होगा बेटा, पापा के पास ATM कार्ड रहता है, कार्ड चिप्स प्लास्टिक की तरह का रहता है. तो वही चीज़ कह रहा है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. क्लियर? तो क्या कह रहा है, ईशा सूद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मीन्स दे आर द बैंक अथॉरिटी मेंबर्स एंड दे वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द कार्ड. तो वही कह रहा है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज ईशा सूद वेलकमिंग यू टू अवर मंडे इवनिंग सीरीज स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो आजकल आप देख रहे हो ना, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है. तो वही कह रहा है, ओल्ड वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी. टूडे वी टेक, राइट, टूडे वी टेक अप द टॉपिक वॉट इज क्रेडिट कार्ड. आज हम लोग क्या बात करेंगे, क्रेडिट कार्ड आखिर होता क्या है, उसके बारे में आज जानेंगे. आई वेलकम टू द प्रोग्राम मिसेस मेधा कुलकर्णी एंड दीपक ओबेरॉय. दो व्यक्ति हैं जो मिसेस मेधा कुलकर्णी और दीपक ओबेरॉय, दे विल टेल अस व्हाट इज क्रेडिट कार्ड रियली इज. गुड मॉर्निंग मिसेस कुलकर्णी, गुड मॉर्निंग मिस्टर ओबेरॉय. इंट्रोडक्शन है ये कुलकर्णी और ओबेरॉय के लिए. तो अब कह रहा है क्या कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है. इट इज अ मेड ऑफ प्लास्टिक. क्या चीज का मेड होता है, गुड क्वालिटी प्लास्टिक का कार्ड होता है. लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड एंड ATM कार्ड. तो देखो बेटा, ATM कार्ड को हम लोग डेबिट कार्ड भी बोलते हैं. तो डेबिट कार्ड में क्या होता है ना, कि आपको जो बैंक में आपका अमाउंट है, जो भी पैसा आप रखे हुए हैं, उसी के आधार पे आप अपना खर्च कर सकते हैं. बट वेन एवर यू आर कैरिंग क्रेडिट कार्ड, सपोज फॉर एग्जाम्पल इन योर बैंक अकाउंट इफ देयर इज 1 lakh rupees, राइट, देन यू कैन ओनली बाय 1 lakh rupees अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट थ्रू व्हाट, डेबिट कार्ड. बट इन क्रेडिट कार्ड इफ यू वॉन्ट टू बाय 1 lakh 2 lakh के आसपास में, वो एक लिमिट होता है. तो बैंक क्या कर सकता है, आपके अकाउंट में अगर 1 lakh rupees है और आप चाहते हैं कि 1.5 lakh का सामान खरीदना चाहते हैं, बाय यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड यू कैन बाय दैट प्रोडक्ट. सो यू मस्ट कीप इन योर माइंड देयर दैट्स बैंक बिल वॉट एवर. सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एनुअल इनकम, सालाना ईयरली जो इनकम है आपका 5 lakh है, देन बैंक विल आस्क यू दैट यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट द लिमिट ऑफ 2 lakhs. एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए आपका साल भर का इनकम अगर कितना है, 5 lakh है, तो बैंक आपको 2 lakh का क्रेडिट कार्ड देगा. क्या कहेगा कि अगले महीना, 2 महीना 3 महीना 4 महीना करके आप अपना EMI एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट के रूप में आप दे के 10,000 20,000 कट करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बाय एनी प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज क्रेडिट कार्ड. बट इन डेबिट कार्ड यू कांट बाय इट अबव द, क्लियर, अबव द अमाउंट. तो वही चीज कह रहा है यहां पर कि मिस्टर ओबेरॉय, हेलो गुड मॉर्निंग, मेनी ऑफ अस हैव सीन पीपल कैरिंग अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड केप्ट सेफली इन देयर पर्पस. मिसेस कुलकर्णी, कुड यू टेल अस व्हाट इट इज. आखिर वो है क्या. कुलकर्णी बता रहा है कि प्लास्टिक का, यहाँ पे स्मॉल प्लास्टिक कार्ड. तो ईशा, व्हाट डू यू जस्ट डिस्क्राइब कॉल द क्रेडिट कार्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं. क्रेडिट कार्ड आर अ स्मॉल कार्ड दैट इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक. ये क्या चीज की, अच्छे क्वालिटी प्लास्टिक की. आप मार्केट में जो देखते होंगे या बोतल देखते होंगे, वो वाली नहीं, उससे भी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का कार्ड होता है और उसमें क्या लगे होते हैं, चिप्स लगे होते हैं, राइट. तो वही कह रहा है, नाउ रिटेन ऑन द कार्ड, व्हाट इज रिटेन ऑन द कार्ड, आखिर कार्ड में लिखा क्या होता है. तो बोल रहा है कुलकर्णी, जवाब देती है, ऑन द फ्रंट साइड यू कैन सी द नेम ऑफ द बैंक,
फ्रंट साइड में कार्ड का जो आगे में होता है उसमें क्या करता है, बैंक का नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, कार्ड नंबर, ये सारे दिए हुए होते हैं, एम आई राइट? तो वही चीज कह रहा है। ओके सो अब देखो तीन चीज को ध्यान रखना है, नेम ऑफ द बैंक, जैसे मान ली आंध्रा बैंक का है तो आंध्रा बैंक का, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, मान लीजिए मेरा है तो कार्ड होल्डर का नाम, और कब ये एक्सपायर होगा, तो वही कह रहा है। ओके सो दैट व्हाट इट इज, आखिर ये है क्या, तो ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द कार्ड वी हैव द नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ कार्ड होल्डर, कार्ड नंबर, मान लीजिए मेरा कार्ड है तो मेरे कार्ड नंबर 8 से 10 डिजिट का मैं बताऊंगा आपको अभी। व्हाट्स अबाउट द बैक ऑफ द कार्ड, बैक कार्ड के पीछे में क्या होता है, ऑन द बैक साइड देयर आर ओनली टू थिंग्स, कितने चीज होते हैं, टू थिंग्स, वन इज द होल्डर सिग्नेचर एंड अदर स्मॉल बैंड, तो स्मॉल बैंड ब्लैक कलर का बैंड लगा हुआ होता है बेटा, तो वही चीज कह रहा है, द होल्डर सिग्नेचर आर इंपॉर्टेंट बट व्हाट इज द बैंड फॉर, मानते हैं कि ठीक है होल्डर का सिग्नेचर के लिए तो मानते हैं जरूरी है, मगर आखिर वो ब्लैक बैंड होता क्या है, तो मिसेस कुलकर्णी जवाब दे रही है वहां पर कि द बैंड इज फॉर द कंप्यूटर, इट चेक द करेक्टनेस ऑफ द कार्ड, आखिर ये कार्ड किसका है, क्यों इस्तेमाल हो रहा है, किसके, मान लीजिए सपोज फॉर एग्जाम्पल माई कार्ड, मेरा कार्ड है और कोई दूसरा लेकर के जाएगा, लेके चले गया, मगर जैसे ही वहां पे डालेगा तभी ना पता चलेगा कि आखिर ये कौन इसका ओरिजिनल हेड है, मेंबर है इसका, तो वही चीज कह रहा है। वेयर कैन द क्रेडिट कार्ड बी यूज्ड, आखिर ये क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो कह रहा है यूज्ड एट, आगे आएगा आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, तो कहेंगे दे कैन बी यूज्ड एट शॉप्स, दुकान में यूज कर सकते हैं, टेलीफोन बूथ्स पे यूज कर सकते हैं, मिल्क बूथ पे यूज कर सकते हैं, टिकट काउंटर पे यूज करेंगे, ऑफ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मेनी अदर प्लेसेस लाइक शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, वही कर आई हैव सीन बीइंग यूज्ड द शॉप्स एंड पेट्रोल पंप टू, तो देख रहे हो ना कहां कहां इस्तेमाल कर सकते, शॉप, टेलीफोन के दुकान पे, मगर ध्यान रखना बेटा जो उसका मेंबरशिप लिया होगा उसी के यहाँ पे, ये नहीं कि सब्जी वाला एक साधारण सब्जी वाला है उसके पास आप चलेगा कि ये मेरा क्रेडिट कार्ड है इससे आप पैसा, तो नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, दे शुड बी द मेंबर ऑफ द बैंक, वो क्रेडिट कार्ड के मेंबर बनेगा तभी उसका वो बन पाएगा, तो वही कह रहा है। बट मिसेस ओबेरॉय हु इशू दिस कार्ड, आखिर ये कार्ड कौन इशू करता है, तो वेल द क्रेडिट कार्ड आर इशूड बाय द बैंक, बैंक अथॉरिटी जो होते हैं वो इशू करते हैं, मान लीजिए मेरा अगर आंध्रा बैंक में अकाउंट है या SBI में है तो वो मेरे इनकम सैलरी के अनुसार ही इशू करेंगे बाय टेकिंग परमिशन ऑफ द कस्टमर, मेरे परमिशन, अगर मैं हाँ कहूंगा तभी, अगर ना कहूंगा तो नहीं करेंगे वो इशू। अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी द कार्ड होल्डर कैन स्पेंड बाय यूजिंग दिस कार्ड, आखिर कितना अमाउंट इससे हम लोग खर्च कर सकते, तो क्या जवाब देता है, यू सी द बैंक इशू डिफरेंट लिमिट टू डिफरेंट इंडिविजुअल, मान लीजिए मेरा इनकम 5 लाख का है तो मुझे 1 लाख का दे दिया क्रेडिट कार्ड, किसी का 10 लाख इनकम है सालाना तो उसको 2 लाख 3 लाख, मतलब अकॉर्डिंग टू योर इनकम और प्रॉपर्टी दे विल इशू द लिमिट ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब समझ में आ गया, कैन द कार्ड होल्डर यूज दिस क्रेडिट कार्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ शॉप, क्या वो सारे दुकान में लगा ले जा सकते हैं, तो नहीं, कौन, तो नो, क्या जवाब दिया उसने बैंक वाले ओबेरॉय ने, नो, अ कार्ड होल्डर कैन यूज दिस क्रेडिट कार्ड इन सम शॉप्स ओनली, कौन से शॉप में, तो जो मेंबरशिप एस्टेब्लिशमेंट किया होगा, मतलब कि जो उसके मेंबर बने हुए होंगे, जैसे आज के मॉडर्न उसमें देखते होंगे, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आप देखते हैं क्या देखते हैं वहां पर मॉडर्न, उसमें पेटीएम, फोन पे, तो उसमें देखते होंगे ना स्कैन करता है उसके बाद ही आप वहां पर देखते हैं कि स्पेस, तो वही कर रहा है, ओ आई सी दैट इज वंडरफुल, आई एम श्योर अवर लिसनर एग्री विथ मी If I say credit card are being blessing in today e-world, e-world का मतलब बेटा electronic world, that all we have for this week guys, इस हफ्ते के लिए इतना ही है, thank you Mr. Oberoi, thank you Mrs. Kulkarni, अब उनका program खत्म हो गया, they introduce about the credit card, thanks a lot बोल करके वो program को छोड़ के लिव आउट कर गए, means अब आपको समझ में आ गया कि credit card क्या है, उसमें क्या होंगे, You can buy any product by using that card if you don't have a that much amount of money.
मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया है, आपको 1.5 लाख का सामान खरीदना है, तो आप क्या कर सकते हो? बाय यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड यू कैन बाय इट। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नाउ। अब एक्सरसाइज पे आते हैं बेटा। तो एक्सरसाइज पे हम देखेंगे, लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। तो देखो क्रेडिट कार्ड, देखिए बैंक का नेम मान लीजिए यहाँ SBI बैंक, आंध्रा बैंक, ये लिखा हुआ रहेगा। क्रेडिट कार्ड देख लीजिए, अब यहाँ ये चिप्स लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चिप से। ये यहाँ देखिए नंबर दिया है 1234578484822, राइट। और यहाँ देखो बेटा एक्सपायरी डेट है कि ये कार्ड कब एक्सपायरी है। तो मान लीजिए अगर ध्यान से देखोगे इसमें तो आप देखिए 18/19/99, मान लीजिए कि 10वां महीना में है और 99वां साल में है, ये पुराना बुक है। तो उसमें और उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम है, राइट। तो यही चीज कह रहा है। अब इसको फिलअप करते हैं। क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ हाई क्वालिटी प्लास्टिक, पिछला ब्लैंक से हमने लिया। फ्रंट साइड नेम ऑफ द बैंक, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, नेम ऑफ द, अब यहां पे कार्ड नंबर भी रहेगा, राइट। अब द बैक साइड हैज होल्डर सिग्नेचर, द बैंड फॉर द कंप्यूटर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द कार्ड। क्लियर हो गया? कंप्यूटर का स्ट्रिप, ब्लैक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है पिछला भाग में, ताकि आपके बारे में वो जानकारी कलेक्ट कर सके। अब है कहाँ यूज करता है, यूज्ड एट दुकानों में, शॉप्स, टेलीफोन बूथ, थिएटर्स, मूवी जिसको कहते हैं हम लोग, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे चेक, या फिर पेट्रोल पंप पे। कैपिस्क्रिप्ट में सारा चीज दिया हुआ था बेटा। इशूड बाय कौन इशू करता है? बैंक। कौन इशू करेगा इसको? बैंक इशू करेगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट यूजिंग इट, कितना? द बैंक्स इशू लिमिट्स टू बी डिफरेंट इंडिविजुअल। मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिए आपका 5 लाख इनकम है तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का देगा, ये नहीं कि आपको 50 लाख का दे देगा। नो, आपके इनकम और प्रॉपर्टी के अनुसार ही आपको वहां पर अलाउ किया जाता है। सो नाउ